मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कल का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। कल आपने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था। कैथोड रेज के बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके डाटा के बारे में, किस तरह से बिहेव करती हैं, ई बाय एम एंड ऑल, काफी कुछ हमने पढ़ा। लेकिन आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किसने क्या किया था। तो आपके लिए बेटा सेटअप यही है, इट इज जस्ट लाइक दैट कि एक सब्जी है आलू, उससे आप कई तरह की सब्जी बना सकते हैं। सेटअप यही लगाया, सबसे पहले ये सेटअप किसने लगाया? जूलियस प्लकर ने। जूलियस प्लकर ने कुछ और नहीं पढ़ा, उसने सिर्फ ये स्टडी किया कि इसके अंदर जो गैसेस भरी हुई हैं, गैसेस जैसे एक स्पार्क हो गया यार रूम में, स्पार्क हो गया तो क्या करंट लगेगा सभी बच्चों को? नहीं लगेगा। तो उसने ये स्टडी किया कि अगर मैं यहां पर प्रेशर को क्या कर दूं, लो, 10^-4 atm, और वोल्टेज को क्या कर दूं यहां पर, हाई, दैट इज 10^5 volt मिनिमम लेके चलते हैं, ठीक है। तो जूलियस प्लकर ने सिर्फ ये पढ़ा था कि लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे गैसेस भी एज एन कंडक्टर काम करती हैं। गैसेस बिहेव एज एन कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। तो इसने सिर्फ बात की थी अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस के बारे में, इसके अलावा इसने इस एक्सपेरिमेंट में और कुछ नहीं पढ़ा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपके साइंटिस्ट आए थे विलियम क्रूक्स। इनका नाम आपने अपनी आई थिंक 10th की बुक में, 11th की बुक में पढ़ा है, विलियम क्रूक्स, याद होगा। इसने क्या करा, यही सेटअप दोबारा लगाया, यही स्टडी दोबारा करी। इसने देखा कि कैथोड से कुछ रेज आ रही हैं और इसने उन रेज का नाम क्या लिया, कैथोड रेज। इंपॉर्टेंट बात है ये, बात समझ आई बेटा। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, जे.जे. थॉमसन। उन्होंने फिर दोबारा यही सेटअप लगाया और उन्होंने बोला कि कैथोड रेज और कुछ नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी किया, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन को नाम दिया नेगाट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, स्टोनी। उन्होंने बोला कि नेगाट्रॉन्स नहीं, इनका नाम क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ही एक्सपेरिमेंट सेटअप, कैथोड रे, और कितने साइंटिस्ट काम कर चुके हैं, देयर आर फोर साइंटिस्ट। जूलियस प्लकर ने सिर्फ कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस के बारे में स्टडी किया था कि लो प्रेशर कर दिया और वोल्टेज क्या कर दी, हाई। तो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे आपकी जो गैसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं। विलियम क्रूक्स ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू रेज, और जो रेज कैथोड से निकलती है उन्होंने उसका नाम दे दिया कैथोड रेज। इसी तरह से जे.जे. थॉमसन आए कि कैथोड रेज और कुछ नहीं है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको उन्होंने नाम दिया नेगाट्रॉन्स, एंड स्टोनी ने नेगाट्रॉन्स को कन्वर्ट किया किसमें, इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज ऑल अबाउट योर कैथोड रे, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टेस्ट जो आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे, दैट इज मिलिकन एक्सपेरिमेंट। सिलेबस में नहीं है बेटा, आई एम क्लियरिंग यू। मैंने कल आपको ई वाई एम रेशियो कराया था, दैट इज ऑल्सो नॉट इन योर सिलेबस, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव टॉपिक है और कॉम्पिटिशन के हिसाब से ही कर रहा है। मिलिकन एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन ना के बराबर, सिर्फ 4-5 लाइनें गिवन है, उतने से को स्टडी नहीं करना है, हमें डिटेल स्टडी करना है। मिलिकन एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करते हैं। बेटा साइंटिस्ट थे मिलिकन, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। लेकिन साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी 1919 में हार्वी रिचर नाम के भी साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी इसको स्टडी किया था, हार्वी फ्लेचर, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट ने इस मिलिकन एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था और दोनों के
डाटा को इकट्ठा करके ही आज के टाइम पे हम यूज करते हैं। सबसे पहले ये निकालेगा क्या, टू कैलकुलेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं मेडिकल एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप बेटा इसका देखेंगे। उसने कहा एक बॉक्स लिया, एल्यूमिनियम का ऐसे गोल बॉक्स होता है उस तरह का, मैंने उसको बीच में से कट किया है ताकि अंदर क्या है मैं आपको वो दिखा सकूं। ठीक है, यहां पर उसने इसमें ऑयल है बेटा, ऐसे बोलते हैं कौन सा ऑयल है, पाइन ऑयल है। जिस तरह से आपका सरसों का तेल होता है उसी तरह से पाइन ऑयल होता है। यहाँ उसने टेलीस्कोप लगाया है। आजकल के मिलिकन एपरेटस में टेलीस्कोप है बेटा, उस टाइम पे टेलीस्कोप नहीं होता था तो उसने लगाया था माइक्रोस्कोप। यहाँ से देख सकते हैं, ये उसने लगाया बेटा एक्सरे आयोनाइजर। एक एक चीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ उसने दो प्लेट्स लगाई बेटा, पॉजिटिव चार्ज था एक पे, एक पे नेगेटिव चार्ज है बेटा। यहाँ उसने एक छोटा सा वॉल बनाया था। दिस इज दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट किया बेटा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उसने क्या-क्या चीजें यूज की, तीन ही चीजें पढ़नी है आपको, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, प्रोसेस और उसके बाद उसके इफेक्ट्स। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको सबसे पहले नजर आ रहा है बेटा जिस तरह का पंप जिसे हम बोलते हैं एटोमाइजर। परफ्यूम की बॉटल देखिए आप सबने अपने अपने घर में, परफ्यूम इज एटोमाइजर एक तरह से। ये पीछे से पंप है बेटा रबड़ का, इसको दबाया तो इसमें जो ऑयल है उस ऑयल के ड्रॉप्स आ जाएंगे, बिल्कुल स्प्रे वाले फाइन ड्रॉप्स। ठीक है, तो एटोमाइजर सबसे पहला स्टेप है आपका यहाँ पर एटोमाइजर। एटोमाइजर का काम क्या है बेटा, इट क्रिएट्स फाइन साइज एटम्स ऑफ ऑयल, बिल्कुल छोटे छोटे साइज एटम्स के क्रिएट कर देगा, सिमिलर टू साइज ऑफ एटम। इसका काम सिर्फ स्प्रे है बेटा, एक तरह से स्प्रे करेगा। स्प्रे में से जो मॉलिक्यूल्स एटम्स निकलेंगे, मतलब ड्रॉप्स निकलेंगे एक तरह से कह सकते हो, उन ड्रॉप्स का साइज और आपके एटम का साइज लगभग सिमिलर होगा, लगभग सेम साइज का है। ठीक है, दूसरा राज ये आपको यहां पर मेटल प्लेट दिखा दी है। मेटल प्लेट का काम है बेटा टू मेंटेन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्यों मेंटेन किया है उसने अभी देखेंगे आगे। ठीक है, थर्ड इज योर बेटा आयोनाइजर, एक्सरे आयोनाइजर। आयोनाइजर का काम क्या है ध्यान से समझना, आयोनाइजर मतलब जो आयंस बनाएगा। डब्बा है बेटा, ये एक बॉक्स है ना, क्या कोई भी चीज खाली होती है, नहीं। तो उस बॉक्स में क्या है, गैस, हर जगह गैस भरी होती है। तो ये क्या करेगा बेटा,
आयोनाइज द गैस गैस को आयोनाइज कर देगा एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स. एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला O2 है, इसमें कोई भी हो सकती है गैस, Cl2, Br2, आपकी H2 कुछ भी हो सकती है. आयोनाइजर ने O2 में से दो पॉजिटिव में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. आपको पता है किसी भी एटम में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यू गेट पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट एटम. तो दो O थे, दो O पॉजिटिव बने, दो इलेक्ट्रॉन्स. आयोनाइजर का काम समझ आ गया. फोर्थ हमने यहाँ पर क्या यूज किया बेटा, टेलीस्कोप. क्या करेगा बेटा, ऑब्जर्व करेगा यहां से मूवमेंट ऑफ ऑयल ड्रॉप. डन बेटा, ठीक है. मेटल प्लेट हो गया आपका, आयोनाइजर हो गया, एटोमाइजर, टेलीस्कोप. इसके अलावा आपको कुछ दिख रहा है, दैट इज वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज सोर्स क्या करेगा बेटा, वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लेट्स, प्लेट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा. अब किस चीज का क्या काम है ये आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा. अब इस सेटअप में हुआ क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए. एटोमाइजर ने यहां से दबाया बेटा, स्प्रे निकले, स्प्रे में ऑयल की बूंदे निकलेगी, ठीक है. होल, हमारा होल रह गया भाई, होल. अलाउ ओनली वन ड्रॉप एट वन टाइम, एक टाइम पे सिर्फ एक ही ड्रॉप को अलाउ करेगा, ठीक है. तो जैसे ही आपने यहां से पुश किया, तो जैसे पानी की स्प्रे बॉटल होती है, हेयर कट करवाने जाते हैं, उस तरह का एटोमाइजर है. यहां से पुश किया, ऑयल की ड्रॉप्स निकलेंगी. ऑयल की ड्रॉप्स बेटा होल में से एक ड्रॉप आ गई है. कोई डाउट बेटा यहां तक, क्लियर हो, ध्यान से समझिए. दिस इज योर ऑयल ड्रॉप बेटा. ऑयल ड्रॉप है, कोई भी चीज है कहां गिरती है, नीचे. रीजन, ग्रेविटी. दैट मींस इस ऑयल ड्रॉप पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, mg. पता है आपको ये बात, डन है यहां तक. मैंने आयनाइजर ऑन किया, जैसे ही ऑयल ड्रॉप होल में से नीचे आई, मैंने आयनाइजर को स्विच ऑन किया. आयनाइजर ने स्विच ऑन होते ही यहाँ पे जो गैस प्रेजेंट थी उसको क्या कर दिया, आयोनाइज्ड, पॉजिटिव चार्ज कर दिया और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया. ये इलेक्ट्रॉन ये ऑयल ड्रॉप क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा. इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय दैट ऑयल ड्रॉप. डन है यहां तक. ऑयल ड्रॉप को इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऑयल ड्रॉप पे चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटा, नेगेटिव. अब ऑयल बन गई है नेगेटिव बेटा. नेगेटिव ऑयल बनते ही मैंने वोल्टेज सोर्स ऑन कर दिया. वोल्टेज सोर्स ऑन करते ही ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज है पॉजिटिव, नीचे वाली पे नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट. एज अ रिजल्ट पॉजिटिव प्लेट इस ऑयल ड्रॉप को ऊपर की तरफ खींचेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई डाउट बेटा जी. अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ानी है कि बूंद नीचे गिरने की बजाय यहीं पे रुक जाए. इसका मतलब Fg is equal to electric field. क्लियर होगी बात. धीरे धीरे बूंद नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, आप इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाए जा रहे, बढ़ाए जा रहे, बढ़ाए जा रहे. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ानी है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. क्लियर हुई मेरी बात. तो जब आपका E is equal to फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज है E into V. फोर्स क्या है बेटा, mg. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई इंटू वी. फोर्स क्या है बेटा, एम जी. ई चार्ज आपको निकालना है, वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एम इंटू जी मास ऑफ ऑयल ड्रॉप कैलकुलेट हो जाएगा, जी ग्रेविटी कैलकुलेट हो जाएगी. जब आप सारी चीजों की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास ई इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी बाय वी. कोई डाउट. तो यहां से उसने कैलकुलेट किया थोड़ी सी फिजिक्स लगा के कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या. तो मिलिकन एक्सपेरिमेंट समझ आया. मेन काम है आयोनाइजर का. आयोनाइजर क्या करेगा, अंदर जो गैस है उसको आयोनाइज करके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय द ऑयल ड्रॉप. इनको ऑयल ड्रॉप क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी एंड बिकम नेगेटिव. नेगेटिव हो जाएगी तो नीचे ग्रेविटी लग रही है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है.
दोनों को जब आप बैलेंस मोड में ले आएंगे तो यू विल कैलकुलेट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहां से उसने कैलकुलेट किया बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज अबाउट योर मिलिकन एक्सपेरिमेंट। 1909 में मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था और 1919 में हार्वी फ्लेचर ने दोबारा इसको स्टडी किया। कोई डाउट बेटा यहां तक? नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कौन से एक्सपेरिमेंट से? जे.जे. थॉमसन एक्सपेरिमेंट से, कल मैंने करवाया था आपको। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। आज हमने स्टडी किया बेटा चार्ज, ऐसे लिख लीजिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने स्टडी किया बेटा? बाय मिलिकन एक्सपेरिमेंट। तो ई बाय एम इज इक्वल टू क्या है? चार्ज और इलेक्ट्रॉन बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? हमें यहां से कैलकुलेट करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको इधर ले जाओ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ या ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय में ई बाय एम रेशो। बेटा जी क्लियर होगी मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, बस अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कीजिए एंड गेट योर आंसर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10th में भी पढ़ा है आपने, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। हमेशा यूनिट साथ रहेगी। नीचे क्या है बेटा? ई बाय एम, ई बाय एम कल कैलकुलेट की थी 1.7588 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, नहीं 4, 8। ठीक है, तो यहां से आपके पास दोनों चीजें आई। चार्ज कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम बाय, बोलो, E बाय M 1.7588 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, E बाय M। तो यहां से आपके पास मास आ जाएगा बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, या फिर आप कह सकते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, तो इट कैन बी इन केजी और इट कैन बी इन ग्राम। क्लियर हुई मेरी बात? तो आपको ये हमने किया क्यों बेटा? हमें चार्ज नहीं पता था शुरू में ही, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं पता था, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता था, हमें कुछ नहीं पता था। तो हमने ई बाय एम रेशो निकाली सबसे पहले कौन से एक्सपेरिमेंट से? जे.जे. थॉमसन से। जे.जे. थॉमसन ने कल क्या किया था? हमने कैथोड रे को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और वहां से दो फॉर्मूले निकाले थे, उन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके उसने E बाय M निकाला था। ठीक है, तो वहां से E बाय M आ गई। ये चार्ज बाय मास नहीं है, ये क्या है? E बाय M रेशियो। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स है 1.7588 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने मिलिकन से निकाला, कितना आया हमारे पास? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। When you put the values, you will get the answer in grams. 9.1 into 10 की पावर माइनस 28 ग्राम एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम, दैट इज 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां तक हम इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी को पूरे प्रॉपर फॉर्म में कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा जी, नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा और स्टडी करें तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है, दिस इज नॉन एज मास ऑफ ए रेस्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना? तो ये रेस्ट मास है बेटा। क्या है ये? रेस्ट मास। मतलब जब वो रुक जाएगा ना एक जगह पे, तब रेस्ट कर रहा है, तब उसका मास है। तो वो मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो मास ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। मास ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन हमेशा वेलोसिटी से रिलेट करता है। क्या पता किस वेलोसिटी से मूव कर रहा हो? ऐसा कोई लाइट थोड़ी ना है, इलेक्ट्रॉन को लाइट है नहीं, तो मतलब
इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पीड होता है, कुछ भी हो सकता है। आपने पॉजिटिव फील्ड तेज कर दी तो तेज भाग गया, आपने पॉजिटिव फील्ड कम कर रखी है तो धीरे धीरे चल रहा है। तो डिपेंड कि कितना भी इसका वेलोसिटी हो सकता है। तो अगर मैं निकालूं मास ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन तो वो होता है बेटा रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम, या फिर आप पुट करेंगे 9.1 × 10⁻³³ किलोग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - v² / c². v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मैं कहूं इफ आई सेड कि मेरे जो मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो जीरो है, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा तो बेटा 0 / c² 0, 1 - 0 कितना हो जाएगा 0, 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1, तो मतलब मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेस्ट इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं कि मेरा v इज इक्वल टू c है बेटा, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, देखना जरा, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेस्ट मास बाय 1 - बेटा v इज इक्वल टू c है तो 1² इक्वल हो जाएगा अंडर रूट इज इक्वल टू रेस्ट मास बाय 1 - 1 जीरो, दैट इज इंफिनिटी। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन, ये पिछली बार जी मेंस में पूछा है क्वेश्चन आईआईटी जी में, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से मूव करेगा तो मेरे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, कितना होगा बेटा इनफिनिटी, इज दैट क्लियर, दैट्स इनफाइनाइट। आपका इलेक्ट्रॉन अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लग जाए तो इसका मतलब उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके इलेक्ट्रॉन की स्पीड जीरो हो जाए तो उसका रेस्ट मास और उसका मूविंग मास क्या होगा, सेम होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर जी मेंस, ये सिर्फ जी के लिए है बेटा, ठीक है, जी या पीएमटी के लिए, आपके सिलेबस में सिर्फ यही तक है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है।